अच्छा गुड इवनिंग, आवाज आ रही है सबको? यस गुड सर। आप में से बहुतों का आज लग रहा फर्स्ट क्लास है। आप में से कौन कौन है जिनका फर्स्ट क्लास है? रेज योर हैंड। आयुषी, कसक, एनीबडी एल्स? कोई और भी है क्या? ठीक है, और भी है। अभी बंदे से ना सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है, आयुषी, कश्यप, आप लोगों का है ना कुछ क्लास है ना, एक्चुअली इसमें छूट गया है, मतलब जो शुरुआत का क्लास था। बट डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जिनका भी इस वीक में, आज संडे तक जो लोग भी आए हैं, उनको है ना नेक्स्ट वीक में ना एक्स्ट्रा क्लास दे के पीछे वाला सारा है ना मेंटेन करा लिया जाएगा। ठीक है, आपको बस करना क्या है कि आप जिस पर्टिकुलर, जो भी पर्सन आपको फोन किए होंगे, आज भी हम आपको थोड़ी देर के अंदर है ना, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर लिख लो। सब कोई जिनके पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, प्लीज लिख लीजिए इसको। आप लोग इस नंबर पे अपना नाम ऐसे लिखना, क्लास 11 2021, फिर आप जिस सेंटर से आ रहे हैं वो, और फिर अपना नाम और अपना जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वेदर इट इज पीसीएम और पीसीबी, वो चीज लिख के है ना उस नंबर पे सेंड कर देना। होगा क्या, हम आपको है ना, जो हम लोग का क्लास 11th का ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ऐड कर देंगे। तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्लास हमको क्राफ्ट करना पड़ेगा फॉर दोज स्टूडेंट्स विच हैव सम बैकलॉग अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन और समथिंग, तो उनको है ना इन्फॉर्म करके उनका एक्स्ट्रा क्लास है ना उस पर मैनेज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हर किसी को बार बार फोन करके इन्फॉर्म करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी किसी का फोन रिचेबल है नहीं है या कोई रिसीव क्या नहीं किया, तो ग्रुप पे मैसेज थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक दिन प्रायर आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि कल आपका क्लास है एक्स्ट्रा क्लास। अदरवाइज जो शेड्यूल के हिसाब से क्लास है तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, शेड्यूल का क्लास कभी चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना हो जाए, अदरवाइज शेड्यूल का क्लास कभी है ना चेंज नहीं होगा। बट एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको 1 डेज प्रायर नोटिस देके आपका जिन जिन किसी का बैकलॉग है समथिंग, उसको है ना मेंटेन करा लिया जाएगा। ओके, तो अपना थोड़ा सा इस पे है ना अपना नंबर सेंड कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर है ना उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो उसी के थ्रू है ना कैरी होते रहेगा, और बाकी सेंटर से भी आपको पर्सनली कॉल चला जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ठीक है जी, ओके सर। कोई और भी है जो बाद में ज्वाइन किए हैं, जिनका कुछ बैकलॉग रह गया है? एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन, सो हाँ अभिनव भट्ट काइंडली है ना उस जो नंबर आपको दिए है ना, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे है ना अपना 11th क्लास 2021 लिखना, उसके बाद कॉर्पोरेट सेंटर मतलब बेकार बांध या वेब सेंटर, जहां भी आप ज्वाइन करना चाह रहे थे जो पेंडेमिक की वजह से अभी ऑनलाइन में है, उसका नाम लिख लीजिएगा, फिर अपना नाम लिख के उस नंबर पे सेंड कर देना। ग्रुप में ऐड करके आपका बैकलॉग का जो क्लास है ना वो कंप्लीट करा लिया जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, और जी बाकी सब कोई बनाए यूनिट एंड डायमेंशन? यस। किसी का कोई इशू किसी न्यूमेरिकल में, कोई ऐसा पार्ट जो अभी तक नहीं समझ में आया हो, ऐसा कुछ? नो सर। आपको इससे है ना डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी भेजा गया था ना, हैव यू सॉल्व दैट, उसको बनाए हो? आप लोग ने मेरिकल बना रहे हैं? शायद नहीं, आप लोग को आदत नहीं है। एक्चुअली है ना 10th से जब 11th स्टूडेंट आ रहा है तो लोगों को लगता है ना कि जैसे हम लोग 8, 9, 10 तक पढ़े हैं, उसी तरह से है ना 11th में भी है ना चीजें है ना चल जाएंगी। लेकिन हम आपको एक चीज बता रहे हैं, कल मेरा एक वेबिनार है 11th कोर्स को ही लेके, जो स्टूडेंट 11th से 12th मूव किया है उनका 11th में जो बैकलॉग रह गया था, जैसे आप भी अभी कैसे कितना कैजुअल स्टार्ट ले रहे हैं ना, इवन आपका कुछ टॉपिक्स कवर होते जा रहा है बट आप उसका न्यूमेरिकल टच नहीं कर रहे हैं, तो वो ये पता है कि हर 11 स्टूडेंट्स लोग यही लगभग करता है।
क्योंकि उनको टेंथ का दिमाग रहता है, वो लोग सोच रहे होते हैं कि 8, 9, 10 में जैसे हम काम किए हैं वैसे ही मेरा 11, 12 में भी हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो 11 तक स्टूडेंट को ये चीज समझने में लग जाता है कि जिस क्लास में है वो 1, 1, 11 है, 1+1, 2 नहीं है। ठीक है, तो उस पे है ना कल एक वेबिनार क्राफ्ट किया गया है कि हाँ आपका जो पीछे रह गया, आप जो गलती हो गई, हर साल होती है, 11th में जो बच्चा रहता है वो हर साल ये गलती करता है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आखिर आप उस गलती से कैसे उभरेंगे, कैसे है ना चीज को अब 12 में 11 को भी कैसे ठीक करेंगे। लेकिन ये गलती होती क्यों है? देखो, इस वजह से होती है जो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ठीक है आप 2 या 3 डेज का क्लास किए, लेकिन 3 डेज का क्लास 11th में बहुत कुछ होता है। आपको उसका थ्योरी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, आपको उसका न्यूमेरिकल जो आपको सीट दिया गया है, डायमेंशन का सीट सबको मिला है ना? यस सर। आपको वो डायमेंशन का सीट बनाना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, और उस प्रॉब्लम को आपको है ना मेरे साथ डिस्कस करके खत्म करना चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो कि सर हमको सब आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सब आ जाए। ठीक है, यहाँ तो जो आपका टीचर्स होते हैं ना, जो 11, 12 में टीचर्स होते हैं, उनको भी हर चीज नहीं आ सकता, ये आप मान के चलो। ये अगर हम बोल दें कि कोई टीचर है उसको 11, 12 का सब कुछ आता है तो वो गलत है। तो जब टीचर खुद आपके सामने ऐसा बोल रहा है तो आपको बात समझना चाहिए, आपको जरूर क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि 11 में क्या होता है, कल 9 बजे से एक वेबिनार, हम उसका लिंक, हम उसका सारा चीज है ना आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। प्लीज 9 बजे से ना आधे घंटे के लिए बैठ जाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो बच्चा 12 में गया है वो 11 में क्या प्रॉब्लम फेस किया है। जब आप उस वेबिनार को देखिएगा, 12 के स्टूडेंट्स को समझिएगा कि वो लोग क्या पूछ रहा है, तो आप वो गलती करने से बच सकते हैं, आप अपने आप को उस गलती होने से बचा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि 11 से जो स्टूडेंट 12 में मूव करता है वो क्या गलती करता है, और फिर उसको 12 में उसके लिए फाइट करना पड़ता है कि उसको कैसे ठीक करे। तो आप ये देख के भी पता कर सकते हैं कि हाँ हमको ये चीज से बचना है, हम इस चीज को नहीं करेंगे, अभी मेरे पास समय है, हम वो गलती दोहराएंगे नहीं। ठीक है, तो कल 9 बजे से फ्री वेबिनार है, आपके YouTube चैनल पे होगा, श्रीवास्तव क्लासेस के YouTube चैनल पे, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप्स में, आप जरूर बैठें। हाँ, है तो वो 12th स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज डिपेंड्स कि आप 11 में जो बैकलॉग क्रिएट किए हैं किसी भी वजह से, पेंडेमिक भी था पिछले साल, वैसे स्टूडेंट का एक जनरल हैबिट भी होता है, तो उसको कैसे रिकवर करें, आप लोग जरूर आइए, आपको देखने से पता चल जाएगा कि क्या आपको नहीं करना है और क्या करने से वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा जो इन सबको हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे उसमें, लेकिन अभी अब इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे एरर एनालिसिस में हम लोग जहां तक अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोग आगे है ना कैरी करेंगे। जिनका भी आज फर्स्ट क्लास है, आप एक दो चीज है ना थोड़ा फटाफट देख लो, उसके बाद फिर है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे आप लोग सबको एक चीज समझिए, आप पूरे क्लास को है ना, पूरा क्लास जो चलता है आपका, उसको आप है ना 2 पार्ट्स में रखें। शुरुआत में आप लोग है ना डाउट डिस्कशन करें, और सेकेंड हाफ में थ्योरी का डिस्कशन हो। जब आप हमसे डाउट नहीं पूछते हैं तो हम लोगों को है ना कोर्स आगे बढ़ाने के लिए थ्योरी पढ़ाना पड़ता है, लेकिन शुरुआत में आपका डाउट होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स को डाउट हुआ है जरूर रखिए। ठीक है, अभी देखिए, आप मान लीजिए जैसे किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो हम लोग को करना क्या है, ये डायमेंशन वाला पूरा डीपीपी आपको मिला है ना? यस सर। ठीक है, आपको ये सारा क्वेश्चंस बनाना चाहिए, आपको जरूर सर, होगा क्योंकि आप सर। ठीक है, और फिर उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह से आपको बोलना चाहिए कि सर मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है, ये पूरा का पूरा सीट है आपके पास, बस इस सीट को आप बनाएं। जैसे आप पहले होमवर्क होता है, अभी क्या है, असाइनमेंट है, डीपीपी है, तो वो होमवर्क, घर में होमवर्क बना के आना भाई। टॉपिक पढ़े हैं, उस टॉपिक पे ग्रिप कब होगा, जब प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस कैसे होगा, यू हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन दैट टॉपिक ओनली, केवल उसी टॉपिक पे बेस्ट आपके पास 65 क्वेश्चंस दे दिया गया।
अगर आप 65 क्वेश्चंस पे एक अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो डाउट्स है उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, वापस से उन चीज को रिकवर कर लेते हैं जो आप भूलने जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे नहीं ये टॉपिक आपका हो जाएगा। हमेशा जब भी इससे क्वेश्चन आएगा आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। 14 और 19 नंबर में डाउट था। हाँ 14 नंबर देखो, चलो आप 14 देख लेते एक बार। हाँ नंबर, अब देखो ये 14 नंबर एक ऐसा क्वांटिटी है जो आप लोग है ना 12 में पढ़ेंगे, LC and R। अब आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है, आपसे पूछा गया इसमें से कौन कौन डायमेंशन रखता है, डायमेंशन ऑफ टाइम, तो याद रखना ये जो L बाई R है वो डायमेंशन ऑफ टाइम है, ठीक है। अब देखिए आप ये कैसे बोलेंगे, सर आपको कैसे पता, तो जब हम लोग 12 में आएंगे तो हम लोग एक सर्किट पढ़ेंगे, उस सर्किट का नाम होगा LR सर्किट। यहाँ L स्टैंड करता है इंडक्टर के लिए और R स्टैंड करता है रजिस्टर के लिए, ठीक है, L है इंडक्टर, R है रजिस्टर। तो आप देखिएगा कि करंट का एक इक्वेशन होता है, करंट I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाई L बाई R। आपको एक दिन कॉपी पे लिख के दिखाया गया था कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है वो डायमेंशनलेस होता है, याद आया? एक्सपोनेंशियल टर्म्स, देखो तीन चीज बताया गया था, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ये तीनों टर्म डायमेंशनलेस होता है। एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। तो जरा गौर करो, जो हमारा एक्सपोनेंट वाला टर्म है उसका जो पावर है टी बाई एल बाई आर। अब देखो डायमेंशनलेस लिखने का मतलब वन, डायमेंशनलेस एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, किसी भी चीज पे नॉट लगाए, जीरो लगाए, क्या उसका वैल्यू वन होगा? तो वन आया। तो यहां गौर करो, क्या यहाँ टी इज इक्वल्स टू एल बाई आर आ गया? कोई बोलेगा सर माइनस, डायमेंशन में माइनस का कोई काम नहीं है भाई, डायमेंशन में माइनस का कोई काम नहीं। तो टाइम का जो डायमेंशन है वो एक्चुअली एल बाई आर के डायमेंशन के बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन है जिसका डायमेंशन टाइम के बराबर है, देन योर आंसर इज सी, एल बाई आर। अब आप सोचिए, अगर आप ये डाउट नहीं पूछेंगे क्या आपको ये इक्वेशन आता है? अरे आ ही नहीं सकता है, ये तो आपको 12 में पढ़ना है। तो आप पूछिएगा तो आपको पता तो चलेगा ना कि ये चीज आप कहां पढ़ेंगे, नहीं तो दिमाग में रहेगा कि हमसे तो बना नहीं, आपसे बनेगा कैसे, ये तो 12 में आपको पढ़ना है, ठीक है। और क्या बोले, 19? यस सर। 19 में भी देखो वही टर्म्स है, फिर से देख रहे हैं आप, आर, एल और सी। इस बार पूछा गया विच हैव डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसका डायमेंशन यहां फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर है, ठीक है, किसका डायमेंशन यहां फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर है। देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है 1/2 pi under root LC, 1/2 pi क्लास का वीडियो तब अवेलेबल होगा, ठीक है। अब यहां पे गौर करना, समझ गए, यहाँ पे अंडर रूट एलसी तो नहीं है, इसमें डाल दीजिए अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट छूट गया, ये वाला आंसर होगा उसका उल्टा, ठीक है। ये वाला जो डायमेंशन है सी, ये होता है फ्रीक्वेंसी, और इसमें भी वही टर्म इन्वॉल्व है। आप देखिए, आप अपने बात को समझिए कि आपको वही प्रॉब्लम हो रहा है जो 12 का टॉपिक है, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, कोई सुन और आगे कुछ किसी का? 2 pi किधर गया? अच्छा भाई, जब हम लोग डायमेंशन का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कुछ क्लास छूटा था क्या शुरुआत वाला? यस। अच्छा, उस समय बताया गया था, आपका मिस हो गया, हम आपको शुरू से कवर करा लेंगे, आप चिंता ना। चलो जी, जो लोग क्लास किए वो लोग समझे, हम आपको बताते हैं आपको प्रॉब्लम होगा इन सब इक्वेशंस के लिए, इसीलिए हम आपको बोले थे कि ये जो आपको चार्ट दिया जा रहा है ना, इसको यूज करें। इसको लेके कैसे बना सकते हैं, इसको लेके कैसे बना सकते हैं, थोड़ा नीचे चलो,
जरा गौर करो इसको लेके कैसे बना सकते हैं। हमको देखने दीजिए वो क्वांटिटी कहाँ है ताकि आपको उसके हिसाब से बताया जा सके। देखिए ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा कैपेसिटेंस। आप अगर चाहेंगे तो इन डायमेंशंस को उसमें यूज करके तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए R है, C है, एक L खोज लीजिए। ये रहा L इंडक्टेंस, ये L है, ये तीसरा रहा। इन तीनों को भी आप यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप हर ऑप्शन में R, L और C तीनों का डायमेंशन पुट करके चेक कीजिए। जिस केस में T आ गया वही वही कॉम्बिनेशन डायमेंशन टाइम का रखता है, आप यहां से भी बना सकते हैं। बात समझे? इंडक्टेंस L है, इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस C है और रेजिस्टेंस R है। इन सब का ये तीन डायमेंशन यूज करके भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। 11 में आप ऐसे बनाएंगे, 11 में इस तरह बनाएंगे, और 12 में जब पढ़ लेंगे तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार में आंसर आ जाएगा। कुछ और किसी का? ठीक है फिर, चलो भाई एरर एनालिसिस में थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। सबको आज ये सोच के जाएंगे कि अगले दिन डायमेंशन वाला, जो लोग डायमेंशन का क्लास किए हैं वो डायमेंशन का पूरा डीपीपी ट्राई करके आएंगे। अगर आप खुद से 30-40% एंड अबव अगर बना के आते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। जो जो नहीं बनेगा एक बार मेरे सामने बोलना, हम आपको उसमें गाइड करेंगे कि आप अभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े। उसी तरह से चीज आज हम लोग है ना मेजरमेंट और एरर में भी सीखेंगे। हम आपको पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन टिक करा देंगे, वो सब बना के आ। चलो आगे बढ़े। सुन लो जी, जिनका भी फर्स्ट क्लास है, एरर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एरर एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनसर्टेनिटी, या यू कहो किसी मेजरमेंट में होने वाला गलती, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो गलती हो जाता है या होने का चांसेस होता है उसको आप एरर कहते हैं। अब मान लो जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है पी, तो उसका एरर प्लस माइनस डेल पी से दिखाएंगे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, तो उसका एरर प्लस माइनस डेल क्यू से दिखाएंगे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है एम, तो उसका एरर प्लस माइनस डेल एम से दिखाएंगे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, तो उसका एरर x प्लस माइनस डेल x से दिखाएंगे। ये डेल x एरर है इन मेजरमेंट ऑफ x, ये डेल p एरर है इन मेजरमेंट ऑफ p, ये डेल m एरर है इन मेजरमेंट ऑफ मास। तो देखो जो एरर आप डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो किसी मेजरमेंट में होने वाला अनसर्टेनिटी, गलती है, ठीक है। अब चलो हम लोग जहां तक पढ़े थे वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा फिजिकल क्वांटिटी ऐड होता है, सब्स्ट्रैक्ट होता है, उसी तरह एरर्स का भी कुछ अपना एक अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है। कहने का मतलब एरर्स का भी अपना एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, ठीक है। एक तरीका होता है, एक रूल होता है। सबसे पहला है, यही टॉपिक लास्ट इसको खत्म किए थे, एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से चलेंगे ताकि सबको शुरुआत से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग एरर में देखना चाहते हैं कि आप एरर को अगर लेके चलते हैं तो आप एडिशन कैसे करेंगे। अरे भाई जनरल एडिशन सबको आता है, 2+3 कितना हो गया 5, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं, एडिशन में किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर एरर के साथ एडिशन करना पड़े देन हाउ वी कैन प्रोसीड, ये आपको सीखना है। चला देखे जरा डेरिवेशन को ध्यान से देखिए। एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एडिशन रूल से ए प्लस बी के बराबर है। जैसे मान लो हम तुमसे बोलते हैं कि देखो जी एक रॉड है,
इस रॉड का लेंथ है 2 ± 0.1 मीटर, और फिर एक और रॉड इस रॉड का लेंथ है 3 ± 0.2 मीटर, ठीक है। दोनों रॉड, दोनों का अपना अपना लेंथ। अब हम तुमसे ये बोल दिए कि ये दोनों रॉड को तुम इंड टू इंड ज्वाइन कर दो, इन दोनों रॉड को तुम इंड टू इंड ज्वाइन कर दो। अच्छा, जब तुम दोनों रॉड को इंड टू इंड ज्वाइन करेगा तो इनडायरेक्टली जो कॉम्बिनेशन का टोटल लेंथ है वो दोनों का एडिशन होगा ना। सबको समझ में आ रहा है? एडिशन होगा। अच्छा, अगर बिना एरर के चीज लिखा रहता तो क्या 3 + 2 = 5 मीटर बोल देते उसका कंबाइंड लेंथ? यस सर। ठीक है, तो एरर में क्या करते? वैसे जो स्टूडेंट लास्ट डे पढ़े थे, कोई हमको फाइनल आंसर बता सकता है कि यहाँ L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? L1 + del L2 आपको याद आया? 5 ± 0.3 मीटर, बोलो सही है? Yes, sir. ठीक है, तो जो लोग पढ़े उनको ये पता है कि ऐसे ये प्रोसेस करना है। अभी आप लोग देख लीजिए, देखिए सब कोई, x is equals to a plus b, बिना एरर के आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एरर को लेके चलते हैं तो a के साथ डेल a, b के साथ डेल b, तो l के साथ x के साथ डेल x। ब्रैकेट हटाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करो, तुम देखेगा a plus b x से कैंसिल, तो जो मेरा डेल x है वो डेल a plus डेल b आएगा, और उसके आमने सामने प्लस माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब जरा गौर करना सब कोई, अगर प्लस माइनस का साइन आ रहा है तो हम लोग के पास यहाँ चार पॉसिबिलिटी बनता है, एक जिसमें ए भी प्लस है बी भी प्लस है, एक जिसमें ए प्लस है बी माइनस है, अगला जिसमें ए माइनस है बी प्लस है, और नेक्स्ट जिसमें ए माइनस है बी माइनस है। तो जब ऐसा आप चार पॉसिबिलिटी लेते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, तो याद रखिए आपका चार अलग अलग आंसर आएगा, हर स्टूडेंट का अपना अपना आंसर आ जाएगा। तो साइंस देखा इस प्रॉब्लम को, तो वो बोला कि आज के बाद जब भी एरर का होगा कैलकुलेशन, हमेशा होगा मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, हमेशा आप मैक्सिमम एरर निकालें। अच्छा, अब जब आप मैक्सिमम एरर निकालेंगे तो ये तीन तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम एरर तो केवल फर्स्ट के कारण आएगा जब दोनों प्लस हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो हम लोगों का डेल एक्स मैक्सिमम है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी। तो कभी भी अगर एडिशन में मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर निकालना रहे या एरर निकालना रहे, आपको हमेशा मैक्सिमम ही निकालना है। तो याद रखना कि डेल ए प्लस डेल बी दोनों एरर को जोड़ देना है। यही हुआ था जी, सबको देखिए, जब हम लोग एक का लेंथ लिए 2, दूसरे का लेंथ लिए 3, तो लेंथ बिना एरर के ऐड किए तो 5 आया। सर एरर में क्या करेंगे? एरर को भी ऐड कर देंगे, 0.1 और 0.2 का एडिशन 0.3। उसी तरह सब कोई तैयार हो जाओ, तुरंत आंसर बताना। मेरे पास दो रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस है 10 ± 0.4 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ± 0.1 ओम। तो जब हम दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, तो आखिर मेरा आर इक्विवेलेंट एरर लिमिट के साथ क्या आएगा? बिना एरर के आएगा 14, 14.4 0.5, तभी कह रहा है बिना एरर का 14, और एरर दोनों ऐड कर दिए 0.5। सो फाइनल आर इक्विवेलेंट विथ एरर लिमिट इज 14 ± 0.5 ओम। इज दिस क्लियर? Yes, sir.
फिर से एक बार बोलो, एरर एडिशन के केस में क्या होता है? ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है, एरर्स ऐड हो जाता है। चलो बढ़िया, अभी थोड़ा है ना, अब सेकंड केस में जाएंगे। यहाँ पे एक टर्म्स थोड़ा देख लीजिएगा, सबको हम कुछ बताना चाहते हैं। सबको जो नए स्टूडेंट है वो लोग थोड़ा खास ध्यान देंगे। एरर में जो नाम आएगा ना, उस हिसाब से भी आपको कुछ लिखना पड़ता है। अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछा जा रहा है तो याद रखिए आपसे डेलार पूछा जा रहा है। अगर आपसे रिलेटिव एरर पूछा जा रहा है तो डेलार बाई आर पूछा जा रहा है, और अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है तो याद रखिए डेलार बाई आर इंटू 100 पूछा जा रहा है। जैसे सर हम लोग जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल बनाया उसके हिसाब से बताइए। तो आप लोग सबको ही इन दो नंबर पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 0.5 लिखा है। अगर एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे तो 0.5 है, अगर रिलेटिव एरर बोलेंगे तो 0.5 बाई 14 है, और अगर परसेंटेज एरर बोलेंगे तो 0.5 बाई 14 इंटू 100 है। तीनों को अच्छे से समझ लो, कहीं दिक्कत है तो बोलो। नो सर। किसी को भी कोई इशू? नो सर। चलिए बढ़िया, तो ये था हम लोग का एडिशन आज। ऐसा बहुत सारा अलजेब्रिक ऑपरेशन है, सबको एक एक करके खत्म कर। चलो भाई, रिलेटिव एरर मतलब क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव एरर मतलब, रिलेटिव एरर आज आपका फर्स्ट क्लास है क्या? नो सर, मिस हो गया था सर पिछला क्लास। यही तो दिक्कत होता है ना। रिलेटिव एरर का मतलब होता है क्या ना, कि जो आप एरर निकाले हैं उसको जो बिना एरर वाला या ओरिजिनल ओरिजिनल डिजिट आ रहा विदाउट एरर उससे डिवाइड करना है। तो देखो, चलो फिर से, जब पूछ दिया तो फिर से देखो, बिना एरर के 14 आता? बोलो थोड़ा। और मेरा एरर 0.5 आया है, तो जब आप 0.5 में 14 से डिवाइड करेंगे ना, ये देखिए थोड़ा, जब आप 0.5 में 14 से डिवाइड करेंगे तो ये रिलेटिव एरर काउंट होगा। ओके, और अगर उसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज एरर में काउंट होगा। क्लास मिस नहीं करो डियर, बहुत चीज है जो एक दिन मिस होने के बाद प्रॉब्लम होने लगे। चलो अच्छा, नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सट्रैक्शन, मान लीजिए x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो a माइनस बी पर डिपेंड करता है। जैसे हम आपको बोलते हैं कि देखो भाई, ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, स्क्वायर मान लीजिए, इस स्क्वायर का एरिया है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया। अब हम बोल दिए कि देखो जी, इसमें से इतना पोर्शन हम लोग कट करके हटा रहे हैं, जो पोर्शन हम लोग रिमूव कर रहे हैं, जो पोर्शन हम लोग रिमूव कर रहे हैं उसका एरिया है प्लस 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर स्क्वायर। तो जो बच गया, जो बच गया, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया बताओ एरर लिमिट के साथ। तो सोचो जरा, जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, क्या वो सब्सट्रैक्शन से आएगा? Yes. ठीक है ना, ये तो आपको डिसाइड करना होगा ना। तो यहाँ क्या करने वाले, जो मेरा टोटल एरिया था उसमें से रिमूव्ड एरिया को माइनस करेंगे तो हमको रिमेनिंग का मिलेगा? यस सर। यस सर। अच्छा, बिना एरर के अगर हम चलते हैं और हम तुमसे आंसर पूछते हैं, व्हाट इज योर आंसर? 8। किसी को कोई डाउट नहीं है 8 होता सर। सर एरर में क्या होता है, चलो वही देख लेते हैं कि एरर में होता क्या। देख, बिना एरर के लिख दिए x इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब एरर के साथ चलो, a का एरर a प्लस माइनस डेल ए, b का एरर b प्लस माइनस डेल बी, और x का एरर x प्लस माइनस डेल एक्स। ब्रैकेट को एक्सपेंड करके खोल दिए यहां पर, फिर देखेंगे
कि a माइनस बी जो राइट हैंड साइड में है वो x से कैंसिल, तो फिर आया मेरा प्लस माइनस डेल x इज प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। अब वापस से तुम्हारे पास चार पॉसिबिलिटीज बन के तैयार होगा। कैसे कैसे सर चार पॉसिबिलिटी? तो a प्लस बी प्लस, ए प्लस बी माइनस, ए माइनस बी प्लस, और ए माइनस और बी माइनस। अब तुम ही सोचो, फिर से वही लाइन यूज करो, वही लाइन यूज करो जो तुम पहले पढ़ा था कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना हुआ तो क्या दोनों एरर को जोड़ेंगे? पहला वाला लेंगे, पहला वाला, बाकी तीनों यूजलेस है। बोलो सही है? जब हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे, हम तो बोल रहे हैं ना एरर में कभी माइनस नहीं होगा, आज नहीं जब तक तुम साइंस पढ़ते रहेगा एरर में माइनस नहीं होगा, हम अभी बोल दी। तो याद रखना कि अगर हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, इवन फिजिकल क्वांटिटीज का सब्सट्रैक्शन हो रहा है फिर भी एरर जुड़ेगा। एडिशन में एरर ऐड होता है, ये बहुत सिंपल चीज है, दिमाग बहुत आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ, एडिशन में एडिशन, दिमाग को समझाओ कि सब्सट्रैक्शन भी होगा अगर फिजिकल क्वांटिटी का तो भी एरर्स का एडिशन ही होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा अगर फिजिकल क्वांटिटी का तो भी एरर्स का एडिशन होगा। और आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप रिमेनिंग हिस्सा का एरिया लिखने जाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटी तो सब्सट्रैक्ट होगा लेकिन एरर 0.2 और 0.3 वो ऐड होगा। और योर आंसर इज 8 प्लस माइनस 0.5 मीटर स्क्वायर। डिड यू गेट दिस? क्या तुमको समझ में आया क्या हुआ? यस सर। सब कोई फिर से, फिजिकल क्वांटिटीज का सब्सट्रैक्शन होगा, अगर होता है तो होगा, लेकिन एरर का सब्सट्रैक्शन नहीं होता, एरर का हमेशा एडिशन ही होता है। क्या ये समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आंसर आ जाना चाहिए, कोई ज्यादा समय नहीं है आपके पास, आपको देखते आंसर बता देना चाहिए, हम तो सॉल्यूशन भी नहीं दिखाने के मूड में है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। वेरी गुड, एक बार में आंसर आ गया, 10 में से 2 गया 8, 0.4 प्लस 0.5, सो योर आंसर इज, पूरा का पूरा प्रोसेस आपके पास है बट योर आंसर इज 8 प्लस माइनस 0.5 केजी। देखो फिजिकल क्वांटिटीज, चलो ठीक है सब्सट्रैक्ट हो रहा है, होने दो, अब बचा हुआ का मास निकालना है तो सब्सट्रैक्शन ही करना है, लेकिन जो मेरा एरर है, जो मेरा एरर है वो तो एडिशन ही होगा, वो तो एडिशन ही होगा, तो दोनों का ऐड किए 0.5 एंड योर फाइनल आंसर इज रिटन इन दिस वे 8 प्लस माइनस 0.5। समझ में आया सबको? चलो भाई बताओ इसका आंसर। लिखा है फ्रॉम अ लार्ज प्लेट, मान लो ना यार लार्ज प्लेट ऑफ एरिया इतना है, 1 प्लस माइनस 0.4, एक मिनट हमको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम अ लार्ज प्लेट ऑफ एरिया 4 प्लस माइनस 0.2 सर 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर स्क्वायर एंड एरिया 1 प्लस माइनस 0.4 मीटर स्क्वायर इज रिमूव्ड, देन फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर स्क्वायर, 3 प्लस माइनस 0.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? बिल्कुल yes, सही sir. तो यहाँ परसेंटेज भी निकाल दिया गया। देखो अगर हम यहाँ से एरिया रिमेनिंग का लिखना चाहें, थोड़ा देखना इसमें कुछ और भी क्वेश्चन, एरिया रिमेनिंग का लिखें तो हम लोग क्या किए, 4 में से 1 माइनस किए लेकिन एरर ऐड हुआ, एरर ऐड हुआ, क्या क्या हुआ, तो ऊपर वाला 0.2 और नीचे वाला 0.4 दोनों ऐड हुआ, 0.2 प्लस 0.4, तो अभी आपके पास हो गया 3 प्लस माइनस 0.6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब देखो क्वेश्चन का अलग अलग हिस्सा,
कोई तुमसे बोल दिया कि भाई देखो ये निकालो, बताओ तो ये क्या है, इसका नाम बोलो। अभी कोई पूछे थे ना सर रिलेटिव, बिल्कुल सही, ये है हम लोगों का रिलेटिव एरर। अगर तुमसे रिलेटिव एरर पूछेगा तो पहले तुम डेले निकालो यार, ये डेले है, ये वाला डेले है, ये वाला ए है, तो आपका रिलेटिव एरर आ गया। ठीक है, अगर कोई बोला परसेंटेज में निकालो तो ये रहा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? यस सर। चलिए एक बार है ना पीछे से थोड़ा सा है ना देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन में बढ़ेंगे, एकदम जाएंगे सब कुछ है ना कंपटीशन लेवल तक का सब क्वेश्चन रहता है, तो उसको ध्यान रख से देखेंगे और सब कुछ है ना हैंडल करेंगे। चलो ध्यान से देखो, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, एरर तो हमेशा ऐड होता है। एक बार दिमाग में बोल लो, सब्सट्रैक्शन रहे या एडिशन रहे, एरर तो हमेशा ऐड होता है। थोड़ा रुकना, मेरा ईयरफोन का थोड़ा बैटरी खत्म हो गया, जस्ट वेट। हाँ जी आवाज आ रहा है? यस सर। चलो ठीक, तो देखो एरर्स हमेशा ऐड होता है, एकदम सिंपल वर्ड से एरर्स हमेशा ऐड होता है। हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा देखना है। मान लो एक्स है ए प्लस बी, ठीक है, तो भी डेल एक्स है हम लोगों का डेल ए प्लस डेल बी। दूसरा, अगर एक्स है ए माइनस बी तो भी डेल एक्स है हम लोगों का डेल ए प्लस डेल बी। क्या बोलता है, इतना पढ़े ना अभी तक हम लोग? यस सर। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट मल्टीप्लीकेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट विल हैपन विथ एरर। जैसे हम तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, सपोज हम लोगों के पास ये एक रास्ता है जिसपे एक पर्सन आगे की तरफ दौड़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 ± 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम तुमसे बोले कि देखो जी 4 ± 0.1 सेकेंड में हाउ मच डिस्टेंस इट कवर, डिस्टेंस इट कवर विथ एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ, एरर लिमिट के साथ डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बताओ। अच्छा बिना एरर के बता दो आप लोग। बिल्कुल सही, 4 लिखा हुआ था, 4, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अगर बिना एरर के, क्या चीज बोले? 32, बिल्कुल सही, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एरर के साथ पूछे तो फिर कैसे प्रोसेस करें, जरा देखना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, दिमाग खुला। मान लो एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ए और बी के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे हम आपको बोल दें स्कूल में ये सब डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल के लिए तैयारी शुरू से कर रहे हैं तो आपको ये डेरिवेशन सब देखना होगा, ठीक है। अब अगर हम एरर लिमिट के साथ लिखें तो एक्स के अंदर का एरर डेल एक्स, ए के अंदर का एरर डेल ए, बी के अंदर का एरर डेल बी। अब चलो भाई थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, ए से मल्टीप्लाई कर लिए, ए से मल्टीप्लाई कर लिए बी में, ए से मल्टीप्लाई कर लिए डेल बी में,
फिर डेल ए से मल्टीप्लाई कर लिए बी में, डेल ए से मल्टीप्लाई कर लिए डेल बी में, तो ये लाइन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ए और बी जो आया वो तो एक्चुअली एक्स के बराबर था, शुरुआत में ही हम लोग देख चुके हैं वो कट गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में डेल एक्स है, राइट हैंड साइड में ए प्लस डेल बी, अगला बी प्लस डेल ए और अगला डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, अब सबको जरा ध्यान दो, दोनों तरफ x या x के बराबर ए बी से डिवाइड किया गया, लेफ्ट हैंड साइड में x से डिवाइड किए, राइट हैंड साइड में ए बी से डिवाइड किए, क्योंकि वो x के ही बराबर है। ठीक है, अब क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करो। तो यहां देखो ए बी में ए कैंसिल, यहां यहां पे बी कैंसिल और यहां छोड़ दिया ऐसे, तो हमारे पास डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी आ गया। अब देखिएगा एरर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको बहुत बार आएगा और बहुत बार आपको यूज भी करना पड़ेगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, याद रखिएगा कि डेल ए बाई ए छोटा होता है। आप देखें ना डेल ए छोटा क्वांटिटी था 0.1 0.2 समथिंग लाइक दैट, उसी तरह जो डेल बी बाई बी है वो भी छोटा होता है, लेकिन जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं जैसे यहां किया हुआ है, जैसे यहां किया हुआ, तो वो और भी छोटा हो जाता है। हम तो वो दिखाते हैं ना, देखो मान लो हम ऐसे ही 0.2 लिखे और 0.1 लिखे, 0.2 छोटा है, 0.1 छोटा है, मल्टीप्लाई करके तो ये 0.02 हो जाएगा, बेहद छोटा। बोलो सही है? Yes, sir. जब दो स्मॉल क्वांटिटीज के बीच मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो और भी छोटा हो जाता है, और अगर और भी छोटा होता है तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन पे उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम लोग उसको हटा ही देंगे। चलो भाई हटा दो, इसको हटा दो, डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी को हटा दो। जब आप उसको हटा दिए तो आपको मिला डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, और फिर से तो हम वही बोलेंगे, चार पॉसिबिलिटी, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, चार पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर पूछा जाए तब तो भाई दोनों ऐड होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और वही बिना शक का चीज आपके काम का है। तो ऑलवेज रिमेंबर डेल एक्स बाई एक्स मैक्सिमम इज डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। रुका जाए यहां, थोड़ा एक दो गहरा चीज डीप चीज बात कर लिया जाए। देखो जब आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं तो आप एब्सोल्यूट एरर का बात करते हैं, आप डेल एक्स का बात करता है, लेकिन जब आप मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं तो आप रिलेटिव एरर का बात करते हैं। देखिए डेल एक्स बाई एक्स है, डेल एक्स बाई एक्स है रिलेटिव एरर, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर डेल एक्स बाई एक्स है तो राइट हैंड साइड में भी डेल ए बाई ए है रिलेटिव एरर ऑफ ए, डेल बी बाई बी है रिलेटिव एरर ऑफ बी। तो हमेशा याद रखना कि जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो रिलेटिव एरर का डिस्कशन है, लेकिन जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट एरर का डिस्कशन है। वो आगे जाके हम आपको एक जगह कलेक्ट करके भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आप लोग सब कोई इस न्यूमेरिकल पे ध्यान दे, बेहतरीन। ठीक है, एक एक लाइन समझते हुए, तुम्हारे पास एक वॉल्यूम बताया गया 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब, और एक डेंसिटी बताया गया 1 प्लस माइनस 0.3 केजी पर मीटर क्यूब। बोला गया कि देखो भाई मास निकालो, वो भी एरर लिमिट के साथ निकालो। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बिना एरर के 4 इंटू 1 ले लिए, 4 केजी आ गया। अगर मास बिना एरर के लिखना रहता तो 4 केजी इज माय आंसर। ठीक है, लेकिन आपको तो एरर निकालना है, तो देखिए भाई
डेल एम बाई एम इज इक्वल्स टू डेल वी बाई वी प्लस डेल रो बाई रो। सर ये कहां से आ गया? बिल्कुल वैसे ही आया जैसे आप एक्स ए डॉट बी लिखे थे, तो आप लाए थे डेल एक्स बाई एक्स इज डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। उसी तरह अगर हम लिखते हैं ये चीज एक था, उसी तरह अगर हम लिखते हैं कि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, उसी तरह अगर हम लिखते हैं मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो याद रखना कि डेल एम बाई एम इज डेल वी बाई वी प्लस डेल रो बाई रो। क्या आपको समझ में आया? यस सर। चलो अब यहां से कैलकुलेशन करते। डेल एम बाई एम इज 0.2 बाई कितना था 4 था, प्लस 0.3 बाई कितना था 1। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नीचे एलसीएम ले लिए, थोड़ा सॉल्व किए, तो मेरे पास डेल एम बाई एम का वैल्यू आया, डेल एम बाई एम का वैल्यू आ गया ये 1.4/4। लेकिन अगर हमको डेल एम निकालना होगा तो ये एम इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई किए एम का वैल्यू लिखे तो डेल एम ये आ गया। ठीक है, तो जब हम लोग फाइनल मास लिखेंगे विथ एरर लिमिट, जब हम लोग फाइनल मास को एरर लिमिट के साथ लिखेंगे तो क्या हम लिखेंगे? एम इज इक्वल्स टू एम प्लस माइनस डेल एम। देखो भाई मेरा मास है 4 और मेरा डेल एम आया है 1.4। दिस इज योर फाइनल मास विथ एरर लिमिट, दिस इज योर फाइनल मास विथ एरर लिमिट, एरर लिमिट। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल मास विथ एरर लिमिट। एक चीज सबको सोचना, जिसको जिस पॉइंट पे दिक्कत हुआ है प्लीज पूछ लो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए कुछ रिवाइज करते हैं। अगर मेरा फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो याद रखना डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। मतलब एक्स के अंदर का जो रिलेटिव एरर है वो ए का रिलेटिव एरर और बी के रिलेटिव एरर का सम होता है। वर्ड है रिलेटिव एरर, क्योंकि आप यहाँ डेल एक्स बाई एक्स, डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी का यूज कर रहे हैं, इसलिए वर्ड है रिलेटिव एरर। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, बढ़िया। चलो भाई एक क्वेश्चन, सबको थोड़ा दिमाग लगाओ, हम अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, हम सामने बस प्रोसेस रख दिए हैं। तुम हमको बताओ तुमको कहाँ प्रॉब्लम। सबको एक एक लाइन देखो, गहराई से देखो। लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल का दे दिया गया एरर लिमिट के साथ, आपको उसका एरिया बताना है वो भी प्रॉपर एरर लिमिट के साथ। आप है ना लेफ्ट हैंड साइड से देखना स्टार्ट कीजिए सीक्वेंस वाइज, और राइट वाले कॉलम तक है ना खत्म कीजिए। आपको समझ में कहीं नहीं आया है आप बोलिए, फिर हम बताएंगे। सब कोई एकदम ट्राई करो बढ़िया से। सर पहले ए का वैल्यू निकालेंगे फिर डेल ए का वैल्यू निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले ए निकाल लिए फिर हम लोग देखे कि ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन वाला है, वो मल्टीप्लिकेशन वाला है। देखो तो आप मल्टीप्लिकेशन में जो पढ़े हैं उसको यूज करा और वहां से सिंप्लीफाई करते करते डेल ए निकाले और फिर डेल ए के लिए फाइनल आंसर लिख दिए ए प्लस माइनस डेल ए। फिर से देखो सब कोई ध्यान लगाओ, कोई लाइन नहीं समझ में आया बोलो। चलो फिर से एक बार हम आपके लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, एरिया पूछा, तो एरिया मल्टीप्लिकेशन है लेंथ और ब्रेथ का,
मतलब हमको मल्टीप्लीकेशन से चलना है, ठीक है। तो अब चले मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, डेल ए बाई ए इक्वल्स टू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। डेल एल और एल का वैल्यू, डेल बी और बी का वैल्यू पुट करके सॉल्व किए तो मेरा डेल ए बाई ए का वैल्यू आ गया 0.4/4। यहां से हम डेल ए निकाले, ए को ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल ए इतना आया और फाइनल आंसर आ गया ए प्लस माइनस डेल ए। इस पूरे फिगर में हम कुछ कुछ का वैल्यू पूछते जा रहे हैं, हम कुछ कुछ का वैल्यू पूछ रहे हैं, तुम आंसर देना। पहला एरिया, विदाउट एरर बोलो कितना आंसर। 8 kg। वेरी गुड। रिलेटिव एरर सर 0.8/8। 0.4/4। कोई बोला 0.8/8, मानते हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड बोलो भाई, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एरिया बोलो कितना। 0.8। वेरी गुड, 0.8। और फाइनल एरिया विथ एरर लिमिट बोलो आंसर। 8 plus minus 0.8। वेरी वेरी गुड, ठीक है। किसी को दिक्कत समझने में? नो सर। चलिए बढ़िया, ये था मल्टीप्लीकेशन और हर टर्म का मीनिंग। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा ना उसी हिसाब से आंसर चाहिए। अगर वो रिलेटिव एरर पूछा है तो रिलेटिव एरर छोड़ो, अगर वो एब्सोल्यूट एरर पूछा है एब्सोल्यूट एरर निकालो, अगर एरिया विथ एरर लिमिट पूछा है तो एरिया विथ एरर लिमिट निकालो, जो पूछेगा वो बनाना है। डिवीजन, डिवीजन देखिए, डिवीजन में है ना डेरिवेशन सब है ना, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इसमें मैथमेटिकली बाइनोमियल थ्योरम लगता है। आप लोग अभी बाइनोमियल थ्योरम ये सब समझते नहीं, ठीक है। तो ऐसा मान लेना कि हम इसका डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं। जब आप मैथमेटिक्स में देखिए, इन स्टूडेंट्स को भी कराया गया ना, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा समय दे लीजिए, अभी रुक जाते हैं, अभी डेरिवेशन स्किप करते हैं, केवल रिजल्ट पे फोकस करते हैं। और रिजल्ट तो वही है जो मल्टीप्लीकेशन में। अगर मल्टीप्लीकेशन में आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर वहां था डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। मल्टीप्लीकेशन में याद रखना, डिवीजन में भी सेम होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शायद आपका ध्यान गया या नहीं गया, आप जरा गौर करें। जब आप एडिशन पढ़े जिसमें एक्स था ए प्लस बी, तो इसका डेल एक्स था डेल ए प्लस डेल बी। फिर जब आप सब्सट्रैक्शन पढ़े, जब आप पढ़े एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो आप ध्यान रखिए आप पढ़े डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी, एरर तो फिर भी प्लस था। थर्ड देखो, जब आप मल्टीप्लीकेशन पढ़े एक्स इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, तो आप देखें डेल एक्स बाई एक्स इज डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। इवन जब आप डिवीजन पढ़ रहे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई बी, तो भी आप ध्यान दें डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट एक जैसा और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रिजल्ट एक जैसा। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक जैसा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक जैसा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग एब्सोल्यूट निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम लोग रिलेटिव निकालते हैं। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन में अगर कुछ और पूछता है तो हम बदल देंगे,
लेकिन निकालते तो हैं एब्सोल्यूट जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, और मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में निकालते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, चीज और अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई आपके पास कि देखिए जी, डिस्प्लेसमेंट है 6 ± 0.2 मीटर और जो टाइम है वो है 2 ± 0.1 सेकेंड, तो आपको वेलोसिटी निकालना। तो देखिए, जैसे ही कोई बोलेगा वेलोसिटी निकालो, तो आपको भी पता है डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करना, मतलब आपको डिविजन का कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है, तो बिना एरर के योर आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डेल बी बाई बी इज इक्वल टू डेल डी बाई डी प्लस डेल टी बाई टी। पुट किए, सॉल्व किए, डेल बी का वैल्यू आया आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे डेल बी का वैल्यू आया 0.25। अब अगर कोई बोलता है कि वेलोसिटी विथ एरर लिमिट का आंसर बताओ, देन दिस इज योर आंसर 3 ± 0.2 यूनिट कैन बी रिटेन मीटर पर सेकेंड, यूनिट कैन बी रिटेन मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चीज ऐसे चलता है, हमेशा ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और आपको है ना क्वांटिटीज को उसी के हिसाब से सारा काम है ना करके निकालना पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन है उसकी तरह सोचो, डिविजन है उसकी तरह सोचो, एडिशन है उसकी तरह सोचो, ठीक है, सब्सट्रैक्शन है उसकी तरह सोचो। आगे भाई, अब एक चीज इस टॉपिक पे सबको फोकस रख लो, और इसके बगल में जितना हो सके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के मार्क कर लेना। कोई कंपटीशन में बैठिएगा, इसका क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसका क्वेश्चन जरूर रहेगा, चाहे आप कोई कंपटीशन में बदलिए, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, इसका क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये मतलब आपके मेंस से लेके नीट तक एडवांस तक में इसका क्वेश्चन है। सो बी केयरफुल। होता क्या है, जैसे हम तुमको कुछ लिखना चाहते हैं, ये ऐसे जैसे दिया है वैसे समझने में दिक्कत होगा। आप मान लो, सब कोई बोलो स्फीयर का वॉल्यूम, बोलो उसका फॉर्मूला, बोलो 4/3 πr³। 4/3 πr³। ठीक है, बढ़िया। कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दीजिए भाई, कॉन्स्टेंट्स में एरर का कोई रोल नहीं होता है। अरे जो कॉन्स्टेंट, उसमें एरर कहां से होगा? एरर तो होगा वॉल्यूम में, एरर तो होगा रेडियस में। तो क्या हम यहां पे दिखा सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल विथ आर पे पावर 3? बोलो बोलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये 4/3 π हटा दिए, कांस्टेंट हटा दिए, तो क्या वॉल्यूम प्रोपोर्शनल आर पे पावर 3 दिखा सकते हैं? यस सर। चलो सिलेंडर लो, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो। 2/3 πr³। तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्रोपोर्शनल दिखाएंगे तो आर का स्क्वायर और एच पे पावर 1 आएगा। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लें, इस पे ध्यान देना, तो वो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो सकता है अलग अलग पावर के साथ। क्या आपको समझ में आ रही है? जैसे फर्स्ट वाले में देखो रेडियस पे पावर 3 था, सेकंड में देखो रेडियस पे 2 और एच पे 1 है। बोलो सही है? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए अब उस जनरल फॉर्मूला पे फोकस करते हैं, उस जनरल फॉर्मूला पे फोकस करते हैं, और वहीं से अपना आंसर निकालने का एक जनरल थ्योरी डेवलप करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा आखिर इसको यूज करके आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, जरा गौर कीजिए। सबको देखो ध्यान से, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो x पे पावर a, y पे पावर b और z पे पावर c पे डिपेंड करता है। आप अगर चाहें तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं,
पी इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर ए, वाई पे पावर बी और जेड पे पावर सी। इसमें याद रखिए कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अगर कांस्टेंट है तो उसको आप हटा दीजिए, वो यूजलेस है, वो एरर में कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट, उसमें एरर क्या। सर इसका p का वैल्यू यही क्यों, x का पावर a, b का पावर b, y का पावर b एंड z का पावर माइनस c। हाँ क्या बोले, फिर से एक बार बोलो। सर p का वैल्यू हम लोग यही क्यों लिए। नहीं आप बोलिए ना, आप क्या लेना चाहते हैं, आप जो बोलिए ना, आप ही बोलिए कुछ क्या लेना चाहते हैं, आप बोलिए। एनीथिंग कुछ भी सर, मतलब x का पावर a, y का पावर b एंड z का पावर भी c। तो हम लिए हैं, तुम बोलो कुछ और। सर माइनस सी नहीं सर, केवल सी। हाँ ठीक है, सी ले लेते, इसमें क्या। p इज इक्वल टू x पे पावर a, y पे पावर b, z पे पावर c। यहाँ माइनस इसलिए लिया गया था क्योंकि पीछे वाले में डिनोमिनेटर में c था, तो जब वो ऊपर जाएगा तो माइनस लगेगा ना, समझे। मान लो वहां माइनस नहीं है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आपका ये रहा। चलिए आपके आपके हिसाब से बनाते हैं, आंसर थोड़ी ना अलग आ जाएगा। देखिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो एक लिख के चलना था ना, चलो आगे देखो। तो जब हम लोग इस तरह का कोई भी इक्वेशन देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग रिलेटिव एरर निकालते, रिलेटिव एरर। तो आप करेंगे क्या, डेल पी बाई पी इज इक्वल्स टू, पहले सबको यहां ध्यान दो, डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई प्लस डेल जेड बाई जेड, और जिसके ऊपर जो पावर था उससे सामने लाके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक्स पे पावर था ए तो यहां ए मल्टीप्लाई है, वाई पे पावर था बी यहां बी मल्टीप्लाई। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर यहां माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, इसीलिए तो हम आपको सिखा रहे थे कि माइनस रहेगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, माइनस रहे या कुछ भी, आपको तो प्लस ही लिखना है, क्योंकि एरर में याद कीजिए आप हमेशा निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबल। बोलो याद आया। यस सर, एरर में हम लोग माइनस वाला नहीं लेते, इवन अगर माइनस है तो भी प्लस ही लिखना है, माइनस है तो भी प्लस लिखना है। ओके इसीलिए आपको एक माइनस वाला टर्म लेके रखा गया था कि अगर माइनस आएगा तो आप क्या करेंगे। कोई दिक्कत, देख भाई यहां प्लस है तो प्लस लिख, यहां माइनस है तो भी प्लस ही लिख, आंसर एक ही आएगा, क्या समझा। समझ गया सर। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। यहां पे जो इस लाइन में है, जो इस लाइन में है वो सब है रिलेटिव एरर। डेल पी बाई पी is the relative error of p, del x by x is the relative error of x, del y by y is the relative error of y, del z by z is the relative error of z। लेकिन अगर हम सब में दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इक्वेशन मेरा अनचेंज रहा, लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई, राइट में भी 100, तो दोनों सेम। अब जरा सोचना यहां से लेके यहां तक क्या वो परसेंटेज एरर बना एक्स का। यस सर। और यहां से लेके यहां तक क्या वो परसेंटेज एरर बना वाई का, और इसी तरह यहां से यहां तक क्या वो परसेंटेज एरर है जेड का। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो था वो परसेंटेज एरर है पी का। बोलो जी समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो देखो जब हम लोग इस पे एक दो न्यूमेरिकल पे काम करेंगे ना तो चीज एकदम इजी हो जाएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं एक कंपटीशन का बहुत फेवरेट टॉपिक, कंपटीशन का ही बहुत फेवरेट टॉपिक, तो हम लोग को काम भी उसी तरह से करना है एकदम। अभी हम आपको सब कुछ याद करा देंगे। देखिए ध्यान से, कोई एक सिलेंडर था उसका हाइट का परसेंटेज एरर 3 है और उसके रेडियस का परसेंटेज एरर 2 है। तुमसे बोला गया उसका वॉल्यूम में परसेंटेज एरर बताना है, तो चलो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलता है, हम जो लिख रहे हैं समझना, ये पाई को तो भूल ही जाओ तुम। क्या हम लिखते हैं ऐसे, डेल बी बाई भी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर प्लस वन टाइम्स ऑफ डेल एच बाई एच।
बोलो बोलो। यस यस सही। अब अगर हम इसको परसेंटेज में बदलें तो इधर 100 से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 टाइम परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ हाइट। यस सर। तो देखो रेडियस का क्वेश्चन पे ध्यान दो, रेडियस का परसेंटेज 2 है और हाइट का परसेंटेज एरर 3 है, क्या आपका फाइनल आंसर 7% आया? यस सर। बोलो जी बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। चलिए अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलिए। 2/3πr² 2πrl, फॉर्मूला नहीं याद रखेगा भाई नहीं बनेगा। तो देखो ये फिर से 2π कांस्टेंट हटा दो, हटा दो और सीधा सीधा अपने काम के चीज पे आओ। क्या हम यहां से सीधा ऐसे लिख दें डेले बाई ए इंटू 100 भी लगा देते इस बार, एक ही बार में परसेंटेज में जाते। डेले बाई ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स डेल आर बाई आर इंटू 100 प्लस 1 टाइम्स डेल एच बाई एच इंटू 100। बोलो समझा? यस सर। तो जरा गौर करो, सब आंसर बोलने का कोशिश करो। रेडियस का परसेंटेज एरर कितना था? रेडियस 4% नहीं नहीं रेडियस रेडियस था 2%, 2% हाँ 2% और हाइट कितना था? 3%। सो क्या ये आंसर 5% होगा? यस सर। समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज एरर का इस तरह से यूज करेंगे। अब चलो यहाँ बना हुआ है इसको देखते हैं, वही चीज बना हुआ। देखो जब परसेंटेज एरर ऑफ भी लिखना था तो 2 निकाल के परसेंटेज एरर ऑफ आर, 1 निकाल के परसेंटेज एरर ऑफ एच। जब एरिया लिखना था तो परसेंटेज एरर ऑफ ए इज 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ आर एंड 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ एच, 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ एच वैल्यू पुट कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो ठीक। इस पे देखो ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं, वी इक्वल्स टू आई आर। अब अगर हम तुमसे बोल दें देखो जरा ध्यान से समझना, ऊपर तो कहीं क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नहीं है तो हम लिखा देते इसमें, ठीक है? देखिए मान लीजिए हम तुमसे ये बोल दें कि इफ करेंट इज 5 ± 0.1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 10 ± 0.2 ओम, फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन ये, तो हम क्या करेंगे, पहले इस रिलेशन से हम लोग बुझाएंगे कि डेल बी बाई भी इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स डेल आई बाई आई प्लस 1 टाइम्स डेल आर बाई आर। चलो पहले निकालते हैं, तो 1 टाइम्स डेल आई के जगह पे 0.1 नीचे 5, डेल आर के जगह पे 0.2 बाई नीचे 10, इसको सॉल्व कर लिए, नीचे 10 ले लिए, यहाँ 0.2 हो गया और फिर से यहाँ 0.2 हो गया, ठीक है? तो क्या मेरा डेल बी बाई भी का वैल्यू 0.4/10 आया? बोलो क्या ये आंसर है तुम्हारा? Yes, तो क्वेश्चन कुछ नहीं, yes, नहीं ये आंसर नहीं है, ये तो एक्चुअली रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर चाहिए। जब आपको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही, परसेंटेज एरर ऑफ भी चाहिए, तो जो आपका रिलेटिव एरर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, देन योर 4% इज योर आंसर। बोलो समझ में आया? यस। कोई भी पावर वाला क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। कंपटीशन का एक क्वेश्चन फिक्स करके आज निकलना है, एक क्वेश्चन इसको फिक्स करके निकलना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आएगा हमसे छूट जाए, होना ही नहीं चाहिए, अभी फिक्स करेंगे। कोई डाउट है अभी बात करेंगे। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल करते हैं। चलिए इसको अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। जो हमारा रजिस्टर से
हीट का लॉस होता है। मान लो कोई रजिस्टर है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा, तो जब उसमें करंट आई फ्लो करेगा तो उससे हीट निकलता है, गर्म हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी रजिस्टर से हीट फ्लो कराना है तो उससे करंट निकाल दीजिए, ठीक है। उस हीट का इक्वेशन आया आई स्क्वायर आर टी। अब अगर हम हीट का रिलेटिव एरर लिखें तो हम कोई डेरिवेशन में नहीं फंसेंगे। न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग जेई मेंस और नीट में बैठते हैं, मेरे पास टाइम थोड़ी ना है कि हम डेरिवेशन करेंगे, हमको तो ट्रिक चाहिए। जो ट्रिक बताया जाता है जिसको याद हो बनाया, ठीक है। तो डेल एच बाई एच इज इक्वल टू, पावर देख लिए आई में टू था तो टू आगे डेल आई बाई आई, आर में वन था तो वन आगे डेल आर बाई आर, टी में वन था तो वन आगे डेल टी बाई टी। समझ गए? Yes, अब एक ट्विस्ट, कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन लिख देता है कि ये क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर है। जैसे इस क्वेश्चन में सिखाया गया कि भाई जो टाइम दिया गया है वो एक्यूरेट है, टाइम का मेजरमेंट एक्यूरेट है। अच्छा, अगर टाइम का मेजरमेंट एक्यूरेट है तो उसका एरर जीरो होगा क्या? तो क्या उसका रिलेटिव एरर भी जीरो होगा? यस सर। यस सर। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि ये वाला क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर है, तो याद रखिएगा उसका डेल्टी मतलब एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, जो भी लेना पड़ेगा जीरो लीजिए, ठीक है, अगर कहीं लिखा है तो। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π अंडर रूट एल बाई जी। हमको याद है पिछले दिन डायमेंशन में इसका फॉर्मूला डिराइव किए थे, याद आया आपको? Yes, sir. ठीक है, तो याद रखो, क्या हम लोग इसको लिख दें 2π एल पे पावर 1/2 और जी पे पावर -1/2? यस यस सर। तो अगर भी अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके हिसाब से डेल्टी बाई टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेल एल बाई एल, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां प्लस है माइनस नहीं है। भले यहां जी पे पावर माइनस है, निगेटिव है, बट यूज पॉजिटिव, आप यूज करेंगे पॉजिटिव। बोलिए सही है? यस सर। ठीक है, वैल्यू पुट करो, एल दे दिया है, जी दे दिया है, अब क्या करेंगे भाई? तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 डेल एल के जगह पे 0.1, एल के जगह पे 2, प्लस 1/2 डेल जी के जगह पे 0.1 और जी के जगह पे 9.8। सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। बोलो समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया सर। कहां? ये वाला? यस सर। ये आपके डीपीपी में डाटा दिया होगा, वो डाटा पुट करेंगे तब ना आंसर आएगा, अभी तो हम फॉर्म बता दी। ओके सर। डीपीपी में डाटा रहता है। अब देखिए ये डाटा ही देखिए, यहाँ पे आप जो डाटा देख रहे हैं ये आपके क्वेश्चन में होगा, ठीक है। हम तो आपको फॉर्मेट समझा रहे हैं ना कैसे करना है। ओके ओके सर, वो डीपीपी में डाटा होगा। चलो ठीक है, यहां तक आई होप सो कहीं कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहीं तक आज है ना हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। आपको हम मैंने थोड़ा एरर का डीपीपी खोल के हम आपको कुछ क्वेश्चंस बोल देते हैं जिसको आप बना के रखेंगे, ठीक है। आप लोग सब क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि आपका सब कुछ है ना अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे होते जाएगा। अभी आप देखिए, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको वर्नियर स्केल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक, फाइनल काम पे ही आके रुक गए थे।
एक्चुअली बारिश का मौसम हो गया ना, इसलिए वाईफाई फिर एकदम प्रॉब्लम कर दिया, लास्ट टाइम एकदम बंद हो गया। चलो कोई बात, काम सर एक डाउट था। हाँ बोलो ना सर, एडिशन वाला फिर से समझा दीजिए ना। एडिशन? यस सर। अच्छा ठीक है, एडिशन में ऐड होता है, बहुत सिंपल। वैसे हम पहले थोड़ा ये बता देते कौन बनेगा कौन नहीं, फिर हम बता देंगे। ओके सर, ओके सर। तो देखिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज कहीं अगर लिखा है तो याद रखना उसको अभी लीव करके चलना है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है, वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा होगा, एनिमेशन चलेगा, मजा आएगा, थोड़ा अलग से चीज होगा। तो वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज दो चीज। अब यहाँ पे देखो जरा सबको ध्यान से देखो, ठीक है, जरा इस क्वेश्चन पे गौर करना। ये देखो थ्री नंबर लिखा है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो मेजर कर रहा वोल्टेज को 0.01 वोल्ट बाय मेजरिंग द करंट 5 मिली एम्पियर एट 300 केल्विन। व्हाट विल बी द एरर इन वैल्यू ऑफ करंट इन मेजरिंग मिली एम्पियर। हम लोगों को डेल वी को लेके केवल आंसर बताना है, रेजिस्टेंस का कोई चर्चा नहीं है, तो रेजिस्टेंस लीजिए ही मत, बस सीधा 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 केवल और केवल डेल आई बाई आई इज इक्वल्स टू डेल बी बाई भी लेके बना दीजिए। रजिस्टर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, उसका डिस्कशन ही मत करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सबको ध्यान दे, सबको ध्यान दे। क्या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो अभी लास्ट का जो टॉपिक पढ़े उसके हिसाब से है? नहीं दिख रहा? देखो Q इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर 3, Y पे पावर 2, नीचे Z, बोलो यही पढ़ा ना? यस सर। X का एरर 1%, Y का एरर 2%, Z का एरर 4%, पावर वर को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिखिएगा, उसको बनाना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखो लेंथ का एरर 2%, टाइम पीरियड का एरर 3%,